लिखूं मैं आपने कई दफा, खून से लिखे खत देखे होंगे मोहब्बत के इजहार के लिए या फिर रूठी हुई प्रेमिका को मनाने के लिए। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सियासी सनमों की, ऐसे सनम जो कभी एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कभी एक दूसरे को मनाने में जुट जाते हैं, और अब रास्ता अख्तियार किया गया उन कस्मों उन वादों को याद दिलाने के लिए कुछ ऐसा ही। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये कौन से सियासी सनम है और ये सब क्या प्रेम गाथा चल रही है, ये पॉलिटिकल प्रेम कहानी क्या है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। तो भाई हम जो कह रहे थे कि ये कौन सी प्रेम कहानी है, ये कहानी है बीजेपी और निषाद पार्टी की। जी बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी और पक्का है कि आप भी कन्फ्यूज आ गए होंगे कि ये क्या चल रहा है भाई, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ क्लियर क्यों नहीं होता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है ये सारे सवाल तो होंगे, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ पहले वो जानिए, फिर इन सवाल पर भी हम बात करेंगे। हुआ यूं कि संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो एक चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं अपने खून से याद दिलाने के लिए वो वादा जो गठबंधन के समय निभाने की बात कही गई थी। तो भैया इस चिट्ठी में क्या कहा गया है, कौन सा वो वादा या कसम याद दिलाने की बात कही जा रही है, संजय निषाद से ही सुनिए। ये खून से लिखा पत्र इसीलिए दिया गया है कि हमारे लोगों ने खून देकर इस देश को आजादी कराई, 70 साल से संविधान में लिखा हुआ आरक्षण नहीं मिला, 70 साल बर्बाद किया, 7 साल से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारे पुरखों ने खून दिया, जरूरत हुआ तो हम लोग खून देने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से लोकतंत्र हो गया, पॉलिटिकल गार्ड फादर जो है पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन की हमें उपाधि मिली है, तो मैंने अब इनके लिए चाहे मैं रहूं चाहे न रहूं, मेरा एक एक कतरा इनके समाज के हक हिस्से के लिए है, मैंने इनकी वकालत दिल्ली तक कर दी, सार्थक परिणाम है। लेकिन जब तक मिलने जाए तब तक बहुत हुआ, बहुत लोगों ने वादा किया था हमें हमेशा, जब तक इनके दरवाजे तक मिलने जाए आरक्षण, जब तक इनकी हिस्सेदारी न मिल जाए, राजनीतिक हिस्सेदारी न मिल जाए, ये सत्ता के शीर्ष तक पहुंचकर अपने लोगों को जैसे इनके पुरखे कलम चलाते थे अपने लिए कलम न चला ले। इनकी आबादी 18% है, 18% आबादी के हिसाब से जिस तरीके से ये लड़के अपने हर एक हिस्से में चाहे राजनीति में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में हिस्सेदारी न ले लें तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तो देखिए आप इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री का नाम है, एक चिट्ठी यानी पीएम के नाम, तो दूसरी चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह के नाम और तीसरी चिट्ठी सूबे के सीएम के नाम। अब अपने आप को निषाद कहते हैं कि भैया हम तो पॉलिटिकल गॉडफादर हैं निषाद पार्टी के, तो अपने रगों में बह रहे खून का एक एक कतरा लगा देंगे इस आरक्षण की मांग के लिए। और ये भी कहते हैं कि भैया सब्र खत्म हो गया है, धैर्य का वक्त निकल गया है, अब तो आरक्षण लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। जरा वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री को है, गृह मंत्री को है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने प्रमाण पत्र देने का जगह जगह वादा किया, एक दर्जन वीडियो उनके वायरल हैं, उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मछुआ विजन में लिखा भी था कि निषादों के साथ पिछली सरकारों ने बहुत अन्याय किया है, और ये उनको इसलिए लिखा जा रहा है कि अब ये बहुत दिन हो गया, बहुत धैर्य बहुत संयम हो गया, जल्दी से इनका जो भी हक हिस्सा उनको दे दीजिए। इन शीर्ष नेतृत्व को इसलिए दिया कि दिल्ली और लखनऊ में उनके पास पावर है और पावर के इस्तेमाल करके इनको हिस्सा दे। तो सुना आपने, यहाँ पर संजय निषाद कह रहे हैं कि भाई हम अपना हक लेकर रहेंगे और इसके लिए ये रास्ता अख्तियार किया गया है। लेकिन इसके पहले की तस्वीर भी आपको याद होगी, आज़ादी के जो तारीख होती है उसके एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को संजय निषाद मुलाकात करते हैं अमित शाह से और जेपी नड्डा से, वो तस्वीरें भी जमकर वायरल होती हैं। तब वो कहते हैं कि भाई ये जो बातचीत थी ये बहुत सकारात्मक रही, बहुत अच्छी रही। लेकिन फिर कुछ दिनों के अंदर ही ये तस्वीर भी सामने आ जाती है, तब लोग कई सारे सवाल पूछते हैं, जो हमें शुरू में कहा था कि भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कभी निषाद कहते हैं कि भाई हम साथ साथ हैं, तो कभी कहते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की। खैर ये जो रिश्ता है ये चुनावी है, और चुनाव तक देखिए कि कितने सारे पड़ाव आते हैं इस प्रेम कहानी में, और कहीं कोई विलन की एंट्री तो नहीं होती, विलन मतलब बीजेपी के विलन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि निषाद वोट बैंक के लिए तो भाई दूसरी पार्टी के लोग भी ताक लगाए बैठे हैं, तो क्या संजय निषाद इधर उधर होते हुए बीच का रास्ता निकाल लेंगे बीजेपी के साथ जाने का, या फिर कट लेंगे इस प्रेम कहानी से और हो जाएंगे विलन के साथ रफू चक्कर। तो ये थी कि पॉलिटिकल प्रेम कहानी जिसमें आरक्षण से लेकर सियासत तक की बात थी।